सुबह का नाश्ता हलवा पूरी। कलर देखें, कलर तो बड़ा है, चमक रहा है। सूजी अभी भुनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं, और ये व्लॉग है हमारा संडे का, और थोड़ा लेट भी हो गया है क्योंकि टाइम थोड़ा सा, बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो काफ़ी दिन से वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो संडे का दिन था और यहाँ पर हलवा पूरी बन रही है, थोड़ा हैवी करने का मूड था आज हम लोगों का, तो यहाँ पर हम लोग मिलके जो है वो हलवा पूरी बना रहे हैं और होममेड ही बना रहे हैं सब कुछ, ताकि जो है हेल्दी भी रहे। वरना बाहर तो ये होता है कि बहुत सुबह सुबह मिलती हैं, तो संडे में सब लोग सोकर भी ज़रा देर से उठे थे, तो यहाँ पर ये पूरियाँ तली जा रही हैं, हलवा और छोले का सालन हमारा रेडी था, और यहाँ पर जो है वो पूरियाँ भी हमने फ्रोज़न मंगाई हुई थी, बस उसको तलना था। तो बस सब कुछ जो है वो घर में रेडी करने के बाद हम मज़ेदार सा हलवा पूरी को इंजॉय करेंगे, और आप भी आइए हमारे साथ। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे, बैठ गए थे सब लोग, टेबल पे लगा दी थी सारा नाश्ता, तो बस हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संडे को हलवा पूरी कौन एंजॉय करता है और कौन जो है संडे वाले दिन अच्छा हैवी नाश्ता करता है। अभी जो है वो बस नाश्ता किया है, नाश्ते से फारिग हो गए हैं, और बस मैं अब जा रही हूँ अम्मी की तरफ। जाना था आज, मुझे बहुत दिन हो गए अम्मी से मुलाकात किए हुए, तो बस अम्मी के यहाँ बस तैयारी करूँगी, फिर अम्मी के यहाँ चलेंगे, तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। और यहाँ पर जो है अम्मी के घर में पहुँच चुकी थी, और ये अम्मी पापा का रूम है, वो लोग यहाँ होते हैं। तो बस पापा जो थे हमारे वो खाना खा रहे थे दोपहर का, और हम तो इतना लेट नाश्ता करके निकले थे, तो अभी भूख नहीं लग रही थी। अम्मी ने कहा खाना खा लो, लेकिन भूख नहीं लग रही थी, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना ली, और अम्मी देख रही थी कि पता नहीं क्या बनाती रहती है ये, तो बस इसी तरह एंजॉय कर रहे थे। और अम्मी के यहाँ दोपहर में जो है वो था ये पुलाव था, और देखे मैं भूल भी गई ना, पुलाव बना हुआ था और साथ में ज़र्दा बना हुआ था, तो चिकन पुलाव था। तो बड़ी बहन भी आई हुई थी, मेरी सबसे बड़ी बहन, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, और मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो आई हुई थी, तो उनका बेटा था वो यहाँ पर खा रहा था, और हमें तो भूख नहीं थी, तो मैंने बाद में ही फिर खाया था थोड़ा बहुत। उसके बाद हमें फिर अपने घर जाना था, तो इंशाल्लाह जो है वो अपने घर जब जाएंगे तो वो भी हम शेयर करेंगे, वो भी इसके अंदर क्लिप मौजूद है। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा था, क्योंकि अब जब तक ये व्लॉग जाएगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्या फ़ाइनल भी हो चुका होगा, तो बस ये उस वक्त स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और अब जो है हम लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये मेरे बैग में आप देख सकते हैं कि फीडर हैं और चार्जर और हैंड फ्री और पता नहीं क्या क्या तो एक यूट्यूबर के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बैग जो है वो फुल भरा हुआ है। तो चलें अपने घर चलते हैं। आप
हाँ जी, पहुंच गए हम अपने घर। और जो है घर पहुंचने पर अपने घर आए हम, और जो है वो घर बहुत गंदा हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, घर बंद पड़ा हुआ है तो घर काफ़ी गंदा हो रहा है, तो थोड़ा सा सफाई करूँगी मैं, इसीलिए आई थी। अम्मी के हाँ जाना था, वहाँ कुछ काम था और मिलना भी था, तो बस वहाँ से अभी आए हैं। तो 8 बज रहे हैं रात के ना, थोड़ा सा यहाँ पे सफाई करूँगी क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आई हुई है ना, धूल आई हुई है, मिट्टी है और घर बंद है, तो थोड़ा सा पंखे वंखे चलाए हैं अभी, तो ये काम करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी जो है वो मिट्टी हो रही है। देखें यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, थाने शान पड़े हुए हैं, ये सारी मिट्टी, ये मिट्टी आई हुई है सब जगह पे, ये मिट्टी हो रही है। यहाँ सारे मेरे बॉक्सेस वॉक्सेस सारे गंदे हो रहे हैं। अभी सारी सफाई करनी है, और चादर तो मैंने यही बिछा के छोड़ी हुई है क्योंकि चादर बिछाने कोई फ़ायदा नहीं है, सारा फर्नीचर मेरा गंदा हो रहा है, तो सफाई करूँगी थोड़ी सी, मतलब सफा झाड़ू लगानी है वो लगाऊँगी, और तो डस्टिंग करूँगी, उसके बाद जो है वो फिर घर की तरफ चलेंगे। तो चलें बस, अब मैं जा रही हूँ सारी सफाई करने के लिए क्योंकि टाइम नहीं है, जाना भी है, और सफाई की तो कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, उसकी क्या वीडियो बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मुझे चेंज करूँगी पहले चेंज करके, और फिर जो है वो झाड़ू और डस्टिंग करेंगे। तो चलें फिर देखते हैं, अभी सफाई वफाई करके फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ, हो सकता है फिर मैं घर वहाँ जाके वाइंड अप करूँ, वरना फिर यहीं वाइंड अप करके निकलेंगे व्लॉग को, ठीक है। तो फाइनली जो है हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, और बस वहाँ पे सफाई वगैरह करी अपने घर की, और उसके बाद जो है ना कुछ ब्लॉग था, उसका ब्लॉग तो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लगना था वहाँ पर, तो बस अब यहाँ आ गए। तो मैंने कहा, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो ब्लॉग का एंड भी करना था, थोड़ी सी बातचीत भी करनी थी आप लोगों के साथ। तो बस अभी जो है बच्चे तो सो गए क्योंकि दोनों को छोड़ कर गए थे, दोनों बच्चों को, तो लोग सो गए, मैं तो लेट आऊँगी साथ में, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी सोऊंगी, सुबह उठना है। और इस व्लॉग में आपने तीन तीन जो है वो घर देख लिए सुबह से, तो बस अम्मी से मुलाकात हो गई थी, फिर अपने घर गए, अपने घर जाके सफाइयां करी, और अब जो है फाइनली यहाँ आ गए, और रात हो गई, पूरा दिन गुजर गया काम में। तो आई होप कि आपको जो है ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल पर तो वो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को लाइक भी दे दिया करें, ठीक है। तो बस सोते हैं अब, और अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।